दोस्तों आज की इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कि रीडिंग से वॉइस क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अभी तक हमने वॉइस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए दो तीन एक्सरसाइज की हैं, उनका उच्चारण किया है, सांस को बाहर फेंकने का ये एक्सरसाइज हमने की है, हमिंग किया है। तो आज हम ये देखेंगे कि रीडिंग से आपकी वॉइस क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने शायद खुद भी ये ऑब्जर्व किया हो कि फिल्म लाइन में जो भी एक्टर थिएटर बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने फिल्मों में या सीरियलों में आने से पहले थिएटर किया है, उनकी आवाज का बेस अलग होता है। उनकी आवाज का बेस, उसका थ्रो, उसकी टेप, उसकी जो गूंज है वो अलग होती है, बजाय उन एक्टरों के जिन्होंने थिएटर नहीं किया या जो थिएटर बैकग्राउंड से नहीं है। क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जो थिएटर का जो एक्टर है वो अपनी आवाज के ऊपर बहुत मेहनत करता है, क्योंकि थिएटर में आवाज की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जो दर्शक है वो काफी दूर होता है, माइक नहीं होता वहां पे, और अगर मैं ये कहूं कि थिएटर में मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आवाज का होता है, उसकी लाउडनेस का होता है, कितना आपकी आवाज वाइब्रेट करती है, गूंजती है, उसका होता है। तो वहां क्या है कि आपको आवाज के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसके अलावा जो रिहर्सल्स के दौरान हम लोग रीडिंग करते हैं तो वो रीडिंग में भी लाउड, बहुत लाउड आवाज में हम लोग रीडिंग करते हैं, जिससे गले पे काफी जोर पड़ता है, हमारा वोकल सिस्टम पे काफी जोर पड़ता है। और जो रिहर्सल्स के दौरान जो परफॉर्मेंसेस हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, वहां भी काफी लाउड आवाज का इस्तेमाल होता है। तो शोज में भी जो ऑडियंस है वो काफी दूर होती है, माइक नहीं होता है, और आर्टिस्ट को बहुत जोर से लाउड बोल के परफॉर्म करना पड़ता है। तो क्या होता है कि थिएटर एक्टर की एक आदत हो जाती है, वो यूज टू हो जाता है अपनी आवाज को लाउड यूज करने के। और हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, वो ऐसा है कि जैसा आप उसको यूज करना शुरू कर दो वो उसी तरह से ढल जाता है। जैसा थिएटर एक्टर वो अपना वॉइस को लाउड यूज करते हैं तो उनकी आवाज उसी तरह से खुलती चली जाती है, बेस आता चला जाता है। वहीं क्या होता है कि जो डायरेक्ट फिल्मों में या सीरियलों में जो एक्टर आते हैं वो अपनी आवाज के ऊपर काम नहीं करते। और नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्टर, जो लोग एक्टर बनने का सोचते हैं या जो विचार है उनको एक्टर बनने का, उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता कि वॉइस का या साउंड की क्वालिटी का आपका एज एन एक्टर कितना इंपॉर्टेंस है। मेरी माने तो 50% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका वॉइस का है। अगर हम बात करें तो वॉइस एंड स्पीच मोर देन 50% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर आपकी आवाज की क्वालिटी अच्छी है तो आपका परफॉर्मेंस लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है। आप सिर्फ साउंड सुन के विजुअल को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ विजुअल देख के साउंड या वॉइस को आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो वॉइस क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। बाकी चीजों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, आज अभी को हम सिर्फ रीडिंग की बात करते हैं। तो रीडिंग से वॉइस क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, आपको क्या करना है, एक रूटीन बनाना है अपना। जैसे वॉइस की एक्सरसाइज हमने बताई है, आपको सुबह उठ के नमक के पानी का गरारा करना है, फिर आपको वॉइस की जो दो तीन एक्सरसाइज हमने बताई है वो आपको करनी है, और फिर आपको रीडिंग करनी है। और रीडिंग करनी कैसे है, लाउड बोल बोल के करनी है। लाउड मीन्स इतना लाउड होना चाहिए कि चिल्लाने का ऐसा नहीं लगे कि आप चिल्ला रहे, पर आवाज फटनी नहीं चाहिए। ये दो चीजों का ध्यान रखना है, आपका जो अपर मार्क है वहां तक आपको अपनी वॉल्यूम को लेके जाना है, और उसी लेवल में आपको 10 मिनट 15 मिनट जितना देर आप रीडिंग कर सकते हैं, आप एक हैबिट बनाइए, रूटीन बनाइए, और इन चीजों को जो है वो जो भी एक्सरसाइज हमने बताई है जो हमें करनी है उनको अपने रूटीन में कहीं ना कहीं एडजस्ट कीजिए, और एक कंसिस्टेंसी के साथ उनको आप कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वॉइस में एक बेस आना शुरू हो गया, एक डेप्थ आनी शुरू हो गई, एक थ्रो मिलना शुरू हो गया वॉइस में। तो अभी हम बताते हैं कि आपको रीडिंग करनी कैसे। कोई भी एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, उपन्यास ले सकते हैं, या कोई अगर नाटक मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। नाटक इसलिए बेहतर है क्योंकि जो हमें शूटिंग में या ऑडिशन में जो स्क्रिप्ट मिलने वाली है वो ऐसी ही होती है, एक नाटक के जैसी होती है, नाटक ही होता है, तो उसी तरीके की वो स्क्रिप्ट होते हैं।
तो अगर हम नाटक अगर हमें मिल जाते हैं तो बहुत बेहतर होगा हमारी स्क्रिप्ट को पढ़ने की, समझने की, उसको इमेजिन करने की भी एक सेंस डेवलप होती है उसके साथ। और रीडिंग के और बहुत सारे बेनिफिट हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और क्या क्या बेनिफिट्स रीडिंग से हो सकते हैं उसकी एक्सरसाइजेस भी हम आगे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ रीडिंग आपको करनी कैसे। कौन मरना चाहता है वकील साहब? फिर मैं क्यों मरना चाहूंगा? ट्रक चलाता था, आज भोपाल, कल इंदौर, परसों बंबई, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, 200 रुपए पगार और रास्ते का खर्च अलग, कभी कभार एक आध सवारी बिठा दी तो 10-5 रुपए ऊपर से। ऐसी जिंदगी को छोड़कर मरा कौन मरना चाहेगा वकील साहब? तो देखा आपने, तो इस तरह से हमें एक अपना रूटीन बनाना है, डेली अपना रीडिंग करना है। और आप देखोगे कि 10 दिन 15 दिन में आपको अपना वॉइस में फर्क दिखेगा। तो अभी हम देखते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बार, उनसे रीडिंग करा के देखते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि रीडिंग का क्या बेनिफिट उनको लगता है। जो कमियां मुझ में है क्या वो सचमुच किसी में नहीं होती? वैसे जिससे बलात्कार की कोशिश का आरोप लगा मैं उससे प्यार करता हूँ, पर समाज की वजह से उसके कुटुंब वालों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। छोटे से गांव में रहता था, लगता था कि मुझ में काफी बुद्धि और साहस है, पर गांव में रहकर कहां कोई अवसर मिलता है। हाँ विशाल बोलिए, आपको क्या लगता है रीडिंग से क्या बेनिफिट है? रीडिंग से यह बेनिफिट है कि अपनी आवाज गूंजने लगती है, बेस बन जाता है, तो एक एक्टर के लिए यह बहुत जरूरी होता है। एक्शन। एक बात मेरी समझ में नहीं आई वकील साहब, जब किसी के पास वकील लगाने के पैसे नहीं होते तब सरकार उसे वकील क्यों देती है? वकील, सरकार चाहती है कि हर एक को न्याय मिले। हाँ करण। यस सर। कितना जरूरी है एक्टर के लिए रीडिंग? सर एक्टर के लिए सर रीडिंग बहुत जरूरी है सर, उसके लिए बहुत बेनिफिट है सर। तो देखा आप लोगों ने कि रीडिंग कैसे करनी है और रीडिंग से वॉइस क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी। जैसा करण ने बोला कि रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो यहाँ हम वॉइस की बात कर रहे थे। वॉइस तो इम्प्रूव होती है रीडिंग से, लेकिन उसके अलावा रीडिंग के और बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव होती है, आपको नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, फिर आपका जो स्क्रिप्ट को पढ़ने का सेंस है, समझने का सेंस है, वो डेवलप होता है, जो कि एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। और इस चीज के ऊपर हम बाद में आगे बात करेंगे। उसके बाद आपका विजुअलाइजेशन, आपका इमेजिनेशन, वो भी इंप्रूव होता है। और मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप रीडिंग की हैबिट बना लेते हैं तो एज एन एक्टर आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप सिर्फ 2 या 3 महीने इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आप एक हैबिट बनाइए कि हर दिन एक नाटक आप पढ़िए, बोल बोल के जोर जोर से पढ़िए और शब्दों को साफ करके एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देके पढ़िए, तो उससे आपकी वॉइस भी इंप्रूव होगी। और 2-3 महीने के बाद देखेंगे कि आपका इमेजिनेशन, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस, इमोशंस बहुत इंप्रूव हो गए। आपका मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, 80-90% एज एन एक्टर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। क्या बाकी चीजों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ ये रीडिंग का है। तो रीडिंग को आप शुरू कीजिए और देखिए उसके बेनिफिट्स आप क्या होते हैं।